हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जनरल इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच एंड यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स इन कॉकरोचेस। इससे पहले हमने तीन पार्ट्स इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं जिसके अंदर हमने बताया है अबाउट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बेसिकली चार तरह के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो उसके बाद हम जानेंगे कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्हीं चार एनिमल टिश्यू का बना हुआ होता है। आज हम जानेंगे एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग कुछ तीन ऑर्गेनिज्म के बारे में, कुछ तीन इंसेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें से फर्स्ट है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच जनरली आपको इस तरह का अपने घर के पास देखने को मिलता है या घर के अंदर भी, चाहे कितना भी पेस्ट कंट्रोल हो, इस तरह के कॉकरोचेस देखने को मिलते हैं। और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में। कॉकरोचेस अपियर्ड 120 मिलियन ईयर्स बिफोर डायनासोर। जब डायनासोर देखे गए थे उससे ऑलमोस्ट 120 मिलियन ईयर्स पहले, जब डायनासोर हमारी धरती पर देखे गए उससे भी 120 मिलियन साल पहले हमारे कॉकरोचेस को देखा गया था। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत पुराने इंसेक्ट्स हैं और तब से लेके अब तक ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है इनके अंदर। इवॉल्व ऑब्वियसली हर इंसेक्ट या हर एनिमल होता है, बट इनके अंदर इनके बहुत अच्छा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये आज तक सर्वाइव करने में कामयाब रहे हैं अपने उसी स्ट्रक्चर के साथ। और जनरली देयर आर अराउंड 3500 स्पीशीज ऑफ कॉकरोच वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में 3500 स्पीशीज हैं। अब ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द इंसेक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट 3500 स्पीशीज जो है इसकी आपको देखने को मिलेंगी पूरे धरती पर। और कॉकरोच जो है ऑलमोस्ट 300 मिलियन साल पहले से धरती पर प्रेजेंट है और आज भी ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, कोई एक्सटिंक्ट होने की कगार पे नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं होने वाला है जल्दी से, ये बहुत ज्यादा स्पीशीज इसकी प्रेजेंट है। और जनरली अगर आपने सभी इंसेक्ट्स की रेस करवा दी तो फर्स्ट कौन आएगा? यू आर राइट, कॉकरोच, बिकॉज फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट होता है। और कॉकरोच जो है जनरली अपनी बॉडी के 50%, मतलब कह सकते हो 50 गुना ज्यादा, जितनी इसकी बॉडी होती है उसका 50 गुना ज्यादा ये कवर कर लेता है एक सेकंड के अंदर डिस्टेंस। अगर इसकी बॉडी 2 सेंटीमीटर की है तो ये 100 सेंटीमीटर एक सेकंड के अंदर कवर कर लेगा भाग के। आपने देखा होगा आप जब भी किसी कॉकरोच को मारने के लिए भागते हो तो वो बहुत जल्दी इधर उधर जाके कहीं छुप जाता है, बहुत तेज भागता है और जाके कहीं छुप जाता है। तो इसलिए आपको वहीं से पता चलेगा कि कितने फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट्स हैं। एंड देन आगे देखते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है। आप ये सोचते हो कि कॉकरोच बहुत गंदे होते हैं, उनको आप छू लेते हो आपको बहुत टैकी सा लगता है, क्रीपी सा लगता है, बट द रियलिटी इज इफ अ कॉकरोच टचेज अ ह्यूमन इट विल रन अवे एंड क्लीन इटसेल्फ। अगर एक कॉकरोच ह्यूमन को टच कर लेता है, बहुत आश्चर्य की बात है कि कॉकरोच ह्यूमंस को बहुत गंदा मानता है, वो सोचता है किस एनिमल ने मुझे छू लिया, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही अगर कोई ह्यूमन कॉकरोच को छूएगा तो वो अपने आप को क्लीन करता है। तो आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम कॉकरोच के बारे में जो एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए हम पहुंच जाते हैं अपने एनसीईआरटी के पेज पर, लाइन बाय लाइन होने वाला है तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। कॉकरोचेस आर डार्क ब्राउन एंड बॉडीड एनिमल्स। कॉकरोचेस जो होते हैं जनरली हमें ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं और ब्लैक बॉडी, ब्राउन और ब्लैक की उनकी मिक्सचर की बॉडी होती है, जिसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्लास इंसेक्टा में आते हैं और फाइलम आर्थ्रोपोड में आते हैं, ठीक है। देन किस तरह के देखने को मिलते हैं? ब्राइट येलो, येलो कलर के, रेड कलर के। अब आपको ये तो इसने बता दिया जनरली जो मोस्टली कंट्रीज में या मोस्टली प्लेसेस पे जैसे हमें कॉकरोच देखने को मिलते हैं, ये आ गई यहाँ से जो कंडीशन है वो एक्सट्रीम वाली। एंड ग्रीन कलर कॉकरोच, आपको येलो कलर के, पीले रंग के, लाल रंग के और ग्रीन रंग के, हरे रंग के कॉकरोचेस भी देखने को मिलते हैं, कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 inches ऑफ 3 inches। 3 inches का 1/4 inch अगर आप निकालोगे यानी कि 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक इनका जो साइज होता है वो वैरी करता है। और इनके पास होता क्या क्या है इनकी बॉडी में, मॉर्फोलॉजी देखते हैं। एंटेना, लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी, यानी कि डॉर्सल साइड जो होता है इनका बिल्कुल फ्लैट होता है। ये होता है इनका डॉर्सल साइड, ये होता है इनका वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड जो होता है वो इंसेक्ट की बॉडी का अपर साइड होता है और जो वेंट्रल होता है वो नीचे का हिस्सा होता है। आपने देखा होगा बीटल के अंदर वो राउंड होता है, बट कॉकरोच के अंदर बिल्कुल फ्लैट होगा डॉर्सल वर्जन। उसके बाद देखेंगे दैट कंसील्स हेड,
जो हमारा जो फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी का, उसी से हमारा जो हेड होता है वो वहां पर अटैच्ड होता है। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोरस। नॉक्टर्नल ओमनिवोरस का मतलब क्या हुआ कि ये रात में निकलते हैं। ओमनिवोरस मतलब ये कुछ प्रकार के, अगर आप अपने खाने को रख दोगे बाहर पूरी रात में तो उसको वो स्पॉइल कर देंगे कैसे खाकर, ठीक है, पूरा नहीं खा पाएंगे, बट कुछ बैक्टीरिया उनकी बॉडी से निकलते हैं, जब जब हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो हमें डिजीजेस होंगी, हमें इन्फेक्शन होगा, तो उस पूरे खाने को नहीं खा पाते हैं, बट कुछ खाना खा लेते हैं उसमें से। और क्या करते हैं ये हमारे जो कॉकरोचेस हैं, ये जनरली अपने जैसे और इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं। दैट्स द मेन रीजन ये वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी। तो इनको बोला गया है ओमनिवोरस, और ये अपने जैसे कॉकरोच को भी खा जाते हैं, तो इसलिए इनको इस तरह का बोला गया है। और नॉक्टर्नल का वर्ड का मतलब क्या है, काफी बच्चे यहाँ अटकेंगे, अगर खुद एनसीईआरटी पढ़ने का ट्राई कर रहे हो तो मैं उसी चीज को ट्राई कर रही हूँ कि आपको उसी चीज में हेल्प करूँ। तो नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि रात में निकलने वाले। आप जब भी अपने रात में कभी पानी पीने के लिए उठो, कैसे भी उठो, तो आप देखोगे अगर गलती से आपको कॉकरोच दिख गया तो रात में आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कॉकरोच दिखने की, सुबह कम। कॉकरोच रात में आएगा आपकी किचन में, अगर कोई भी फूड आइटम खुला हुआ रखा है उसके अंदर, मतलब वो अपने बैक्टीरिया छोड़ेगा, उसको खाएगा और सुबह तक वो चला जाएगा, बिकॉज सुबह वो ज्यादा नहीं निकलते हैं। सुबह जो इंसेक्ट्स निकलते हैं उनको बोलते हैं डायुरल, ठीक है, और जो रात में निकलते हैं उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल। तो दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस। डैम्प प्लेसेस मतलब जहाँ पे थोड़ी नमी वाला एरिया होगा, ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, पूरे नमी वाला एरिया जहाँ पे होगा, जहाँ पे थोड़ा डार्क एरिया होगा, थोड़ा अंधेरा ज्यादा होगा, वहां पर ये जो कॉकरोचेस है वो हमें देखने को मिलेंगे। दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स। ह्यूमन यानी कि इंसानों के घर के एक तरीके से मेंबर ही बन चुके हैं, वहां पर ये रहते हैं। इनका घर क्या है, इंसानों का घर, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे। एंड दस आर सीरियस पेस्ट। ये बहुत सीरियस पेस्ट है, यानी कि सीरियस इंसेक्ट्स हैं जो कि बहुत सीरियस सीवियर डिजीज आपको कर सकते हैं। वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस। काफी डिजीज का कारण आपको कॉकरोच ही मिलते हैं, डायरेक्टली नहीं होगा बट इनडायरेक्टली। आपने घर में खाना खुला छोड़ दिया, उसको कॉकरोच खा के गए और उस खाने को सुबह आपने कंज्यूम कर लिया, तो बीमार कौन पड़ेगा, आप पड़ोगे। देन आगे चलते हैं, ये हमने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लिए हैं। अब देखो ये है आपका कुछ ब्रेड जैम जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर, ये रात का अगर समय आप जानो, इसे पिक्चर क्लियर करने के लिए फोटो बहुत क्लियर है, बट अगर रात का समय जानो तो कॉकरोच इसमें आके बैठेगा, पूरा नहीं खा पाएगा, कुछ हिस्सा इसका खाएगा और वो चला जाएगा, बट उसने आपका फूड स्पॉइल कर दिया है। अगर आपने इस फूड को खाया तो आप पक्का बीमार पड़ने वाले हो, डिजीज आपको जरूर होगी, इन्फेक्शन होगा, फूड पॉइजनिंग होगी। तो यही रीजन है कि ये बहुत सीरियस पेस्ट कहलाया जाता है और वेक्टर कहलाया जाता है सेवरल डिजीजेस का। देन हम आगे आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। जनरली कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच, यानी कि जो कॉमन स्पीशीज होती है कॉकरोच की, वो क्या है, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। नीट का पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में से यही बनता है कि मॉर्फोलॉजी जो कॉकरोच की है उसका कॉमन स्पीशीज क्या है, जो कॉमनली वर्ल्ड वाइड में देखने को मिलता है स्पीशीज कॉकरोच का, वो क्या है, इट इज पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। उसके बाद इसका साइज क्या होगा, अराउंड 34 से 53 मिलीमीटर इसके इसका साइज होता है, जिसके पास कुछ विंग्स भी होती हैं जो एक्सटेंड कर जाती हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। मेल्स के अंदर अगर समझ लो, इसको आगे देखते हैं, ये वाला एरिया देखते हैं, ये वाला एरिया इसका एब्डोमेन एरिया है, ये वाला एरिया एब्डोमेन एरिया है, ठीक है। देन ये वाला थॉरक्स में आ जाएगा, आप ये देखो एब्डोमेन एरिया से भी कुछ हिस्से आगे ये विंग्स जो है निकल रहे हैं। जब ये विंग फ्लाई करते हैं, यानी कि जब ये कॉकरोच उड़ते हैं तो ये विंग खुल जाते हैं, पंख खुल जाते हैं, बट जब रिलैक्स मोड पे होते हैं तो ये पंख वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, और जो एंड होता है ना, एंड टिप होती है एब्डोमेन की, उससे भी थोड़ा बाहर की तरफ निकले हुए नजर आते हैं, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, एक सेकेंड, ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये यहां पर एरिया खत्म है इसका एब्डोमेन, बट ये जो एरिया है इसके विंग्स का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच सेगमेंटेड, एक सेकेंड, द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड। बॉडी जो होती है कॉकरोच की वो सेगमेंटेड होती है, बकायदा सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच की बॉडी के अंदर कि कौन से एरिया में कौन सा पार्ट गिवन होगा, एंड डिविजिबल इंटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन। अगर सेगमेंट्स हैं तो रीजन में भी डिविजिबल होगा, यानी कि हेड होगा, थॉरेक्स होगा, एब्डोमेन होगा। हेड जो होगा
सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, थॉरेक्स जो है थॉरेक्स से ही कनेक्टेड होगी आपकी नेक, जो नेक जो है आपकी थॉरेक्स को और हेड को कनेक्ट करने का काम करेगी, एंड देन आपका एब्डोमेन होगा। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। सभी इंसेक्ट्स के अंदर, सभी इंसेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ, सभी इंसेक्ट्स के अंदर आप क्या देखोगे कि एक काइटेनियस यानी कि काइटिन का बना हुआ इनका एक्सोस्केलेटन होता है, जो कि इनकी बॉडी को कवर करके रखता है। सिर्फ एक्सोस्केलेटन जो है आपको एनिमल्स के अंदर, मतलब इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काइटिन का बना होता है, जिस जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्राउन जो आपने देखा होगा, कॉकरोच जो है ऊपर वाला हिस्सा ब्राउन होता है, तो यानी कि ब्राउन इन कलर होता है। और हर सेगमेंट के अंदर, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स। हर एक सेगमेंट के अंदर एक्सोस्केलेटन जो है उसकी प्लेट्स हार्ड होती हैं बिल्कुल, जो कि जिसको हम कहते हैं स्क्लेराइट्स। एक सेकेंड, हाँ, जिसको हम कहेंगे स्क्लेराइट्स। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं हम, बिकॉज आप ऐसा देख सकते हो कि टर्जाइट्स जो होती हैं वो डॉर्सली होती हैं, और स्टर्नाइट्स जो होती हैं वो वेंट्रली होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा वेंट्रली जो नीचे की तरफ जो आपकी सेगमेंट प्रेजेंट हैं वो होंगी प्लेट्स जो प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे स्टर्नाइट्स, और जो ऊपर की तरफ यानी कि डॉर्सल साइड पे जो प्लेट्स प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे टर्जाइट्स। दैट आर जॉइंट टू ईच अदर बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल। और ये किस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। नीड का क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो ये याद रखना, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं स्टर्नाइट्स, और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं, ऊपर वाले सेगमेंट्स को बोलते हैं टर्जाइट्स, एंड जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखती है। अब मैं आपको अगर यहां बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऊपर वाला हिस्सा हुआ टर्जाइट्स, नीचे वाला हिस्सा हुआ वेंट्रली वाला स्टर्नाइट्स, और इन दोनों को आपस में जो जोड़ के रखेगी यहां पर वो होगी एक मेम्ब्रेन यानी कि आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको हम कहेंगे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे चलते हैं, ये आपने देख लिया हेड थॉरेक्स और एब्डोमेन वाला हिस्सा है ये। आगे चलते हैं, देखते हैं अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच। एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पे क्या क्या हैं, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है हेड। एक सेकेंड, ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हेड, देन आएगा टेगमाइना। टेगमाइना मतलब जो आपके फोर विंग होते हैं, यानी कि आगे वाले फ्रंट विंग होते हैं, आगे वाले पंख। देन आएगा हिंड विंग यानी कि पीछे वाले पंख। और एक बात आपको बता दूं, आगे वाले पंख जो होते हैं वो उड़ने में मदद नहीं करते, वो प्रोटेक्शन के काम करते हैं पीछे वाले पंख के लिए। उड़ने के काम कौन से पंख आते हैं, पीछे वाले हिंड विंग। देन आता है आपका एब्डोमेन, जिसके अंदर सेगमेंट्स आपको देखने को मिली हैं। आगे आ जाता है एनल सर्काय। देन इस वाले साइड पर अगर आप आ जाओगे तो आपको दिखेगा हर जो थॉरेक्स होता है उससे एक पेयर ऑफ लेग निकलता है। ठीक है, पेयर ऑफ लेग किससे कनेक्टेड होता है, हमारे हर एक थॉरेक्स से। तो तीन थॉरेक्स आपको देखने को मिलेंगे, मीजोथॉरेक्स, प्रोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। मीजोथोरेक्स से भी आपको एक पेयर ऑफ लेग्स देखने को मिलेगा, मेटाथोरेक्स से भी और मीजोथोरेक्स से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि थोरेक्स से कनेक्टेड होते हैं आपके लेग्स, कॉकरोच के, सॉरी आपके नहीं। ठीक है, देन प्रोनोटम भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, जो कि हेड का एक स्ट्रक्चर है, ट्राइंगल जो हेड होता है उसमें ही ये स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है। और आईज जो होती हैं कंपाउंड आई होती हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, कंपाउंड आई किस तरह की होती हैं। जनरली मोजैक विजन होता है, जो है आपको इमेज कोई भी कॉकरोच को इमेज ऐसे दिखेगी, पार्ट्स में पूरी फुल इमेज नहीं दिखती है। एंड एंटेना, दो एंटेना होते हैं, फिलीफॉर्म एंटेना, जो कि थ्रेड लाइक होते हैं। ये था कुछ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि हेड कैसा होता है। हेड जो होता है कॉकरोच का वो होता है ट्रायंगुलर इन शेप। ये नोट्स बनाओगे तो इन चीजों को पॉइंट्स में लिखना, ज्यादा जल्दी याद होंगे। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। हेड जो होता है वो ट्रायंगुलर होगा, और कहाँ पे होगा, राइट एंगल्स पे, यानी कि जो बॉडी एक्सिस है उसके बिल्कुल स्ट्रेट वे में प्रेजेंट होगा। और किससे बना हुआ होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स। जब छह सेगमेंट्स आपस में फ्यूज होंगी तब जाके आपका जो कॉकरोच है उसका हेड बनेगा। एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि थॉरेक्स जो है वो और जो हेड है वो आपस में कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ नेक। नेक जो है थॉरेक्स का ही पार्ट है, तो वो उससे कनेक्टेड होते हैं, तो वो जनरली दिखता नहीं है बिकॉज जो थॉरेक्स और हेड कवर कर लेते हैं उस नेक को। बट उस नेक की वजह से अपना हेड जो है कॉकरोच वो ऑल डायरेक्शन में राउंडली घुमा सकता है ड्यू टू अ फ्लेक्सीबल नेक। आगे देखते हैं एक बार, ये देखो आपको यहाँ पर नेक देखने को मिलेगी। ये जो एरिया है आप ये देखो, ये एरिया इसको कवर कर ले रहा है थॉरेक्स का। ठीक है, ये इसकी आईज हो गई, ये वाला हिस्सा मैं बाद में आपको दिखाऊंगी ये चीज, अभी एक बार हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज क्या होगा आपके लिए बाद में सीखना इजी रहेगा।
द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई. अब देखो यहाँ पर कंपाउंड आई कौन सी है, कंपाउंड आई है ये वाली, ठीक है. ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये है आपकी, इसमें कॉकरोच की कंपाउंड आई, और ये जो हिस्से हैं ये होते हैं सॉकेट जिससे आपके एंटेना कनेक्टेड होते हैं. ये होते हैं सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जिससे आपके एंटेना कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसको फिर हम याद करते जाएंगे. कंपाउंड आई है, देन अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटेना. अभी हमने देखा एंटेना अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स. सॉकेट्स देखते हैं कौन से हैं हमारे, ये रहे आपके सॉकेट्स, ये हैं सॉकेट्स. यहां पर इरेज ऑल कर देती हूं, ये हैं सॉकेट्स जो आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, और ये है आपकी कंपाउंड आई, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. एंटेना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट. एंटेना जो होता है उसका खास बात ये होता है कि उसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को सेंस करने में कि आसपास इनके कोई डेंजर है या नहीं है, आसपास कैसे चलना है और किस तरह इनको अपना काम करना है. एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. इसके अंदर क्या हुआ कि एक बार हम आगे जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको देख लेते हैं इरेजॉल्व करके. देखो ये वाला जो हिस्सा है सबसे ऊपर, ये जो ये है आपका ये हिस्सा है, ये है आपका एंटेना, ठीक है. उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये जो आई वाला हिस्सा है, ये है आपका कंपाउंड आई. उसके बाद आगे चलते हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका सॉकेट, एस मतलब सॉकेट. देन आ जाता है आपका ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये है आपका माउथ पार्ट, ओके. ये है आपका माउथ पार्ट. तो अब आप देखते हैं द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ लेब्रम. माउथ पार्ट के पास क्या होगा देखने के लिए, लेब्रम. लेब्रम जनरली क्या होता है, अपर लिप, ठीक है. आगे देखते हैं, लेब्रम ने जरूर लगाया है. देखो ये है आपका लेब्रम जो अपर लिप की तरह काम करता है, और ये लेबियम जो कि लोअर लिप की तरह काम करता है, ठीक है. तो ये अब सारी चीज आप बाद के लिए मत छोड़ो, अभी पढ़ लो, अभी के लिए छोड़ दो सारी चीजें कि आपको अभी सब कुछ याद होना चाहिए. ये वाला पार्ट जो है अपर पार्ट यानी कि अपर लिप जिसको हम कहते हैं लेब्रम, और जो लोअर लिप है जिसको हम कहते हैं लेबियम, ठीक है. और यहां पर आपको देखने को मिलेगा लेब्रम के पास क्या देखने को मिलेंगे, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, एंड लेबियम के पास क्या देखने को मिलेंगे, पेयर ऑफ मैक्सिले, ओके. देखो यहां पर आप पढ़ सकते हो कि एंटेना भी है, और आगे देखते हैं हमारी थ्योरी क्या कह रही है, बिकॉज थ्योरी के साथ अगर समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा समझना. आगे देखते हैं, द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ लेब्रम अपर लिप देखा हमने अभी, एंड अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिले, एंड अ लेबियम लोअर लिप्स. लेबियम और ये देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है. यहाँ पर है मैक्सिलरी पल्प जो कि ये है जो कि आपको कैप्चर करने में काम करते हैं किसी भी इंसेक्ट किसी भी प्रे को. एंटेना है यहाँ पर, और ये मैक्सिले जो है ये फर्स्ट मैक्सिले होती है जो कि मैक्सिला यहाँ पे प्रेजेंट होगी आपके माउथ पार्ट के अंदर ही. एंड लेबियल पाल्प यानी कि ये दूसरे वाला वर्जन होता है जो कि इंसेक्ट्स को क्रैप करने के काम आता है. आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, अ मीडियन या अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग. आप ये देखोगे हाइपोथेरिंग्स कैसे इसमें देखने को मिलेगा, आपको एक हाइपोथेरिंग्स देखने को मिलेगा जो कि टंग की तरह काम करता है. हम आगे एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे एनसीईआरटी का जो है उससे आपको क्लियर हो जाएगा. देन ठीक है, हाइपो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफेरिंग्स जो कि टंग की तरह काम करता है, जो कहां पर देखने को मिलता है, लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय अ माउथ पार्ट. थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट. थॉरेक्स के पास तीन पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स. द हेड इज कनेक्टेड विद थॉरेक्स. हेड जो है कनेक्टेड होगा थॉरेक्स से बाय शॉर्ट एक्सटेंशन जिसको हम नेक भी कहते हैं. प्रोटोथॉरिक्स का ही वो हिस्सा है, ठीक है. ये याद रखना, प्रोटोथॉरिक्स का ही हिस्सा है जो कि थॉरेक्स और हेड को कनेक्ट करती है आपस में, जो कि होती है नेक. ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स. अभी हमने पढ़ा था तीन तरह के हमारी थोरेक्सिक लेग्स, थोरेसिक जो सेगमेंट्स देखने को मिलती हैं वो होती हैं प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स, ठीक है. मीजोथोरेक्स, ये तीन तरह की थोरेक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बियर करते हैं वॉकिंग लेग्स. दैट्स द मेन रीजन. अगर तीन है तो यानी कि तीन पेयर ऑफ लेग्स देखने को मिलेंगे, टोटल सिक्स लेग्स आपको देखने को मिलेंगे कॉकरोच के अंदर. द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स. जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होता है वो कहां से देखने को मिलता है आपको, मीजोथोरेक्स से. एंड जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स है वो आपको कहां से देखने को मिलेगा, मेटाथोरेक्स से.
तो फोर विंग्स जो है ये याद रखना कि फर्स्ट पेयर जो है वो मेजोथोरिक से एंड जो सेकंड पेयर है वो मेटाथोरिक से। फोर विंग्स यानी कि आगे वाले विंग्स जो कि मेटाथोरिक से सॉरी मीजोथोरिक से निकलते हैं उनको हम कहते हैं टेगमाइना। ठीक है, जो आगे वाले होते हैं विंग्स जो कि प्रोटेक्शन में काम आते हैं उनको हम कहते हैं टेगमाइना, और वो कहाँ से निकलते हैं? मीजोथोरिक से। ये जनरली डार्क होते हैं, ठीक है, लेदरी होते हैं, जो कि कवर करते हैं हिंड विंग्स को व्हेन एट रेस्ट। जब रेस्ट पे होगा आपका इंसेक्ट, जब वो फ्लाई नहीं कर रहा होगा तो उसके जो फ्लाई करने वाले विंग है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग विंग है जिनको हम कहते हैं टेगमाइना, जो कि लेदर के मतलब लेदरी टाइप होते हैं और डार्क कलर में होते हैं। जबकि जो हमारे हिंड विंग्स यानी कि पीछे वाले विंग्स होते हैं वो जो होते हैं जो फ्लाई करने में काम आते हैं वो जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, और जो यूज किए जाते हैं इन साइट ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये स्ट्रक्चर आप देखो, फेस का देखो स्ट्रक्चर, आपको आई देखने को मिल रही है, कंपाउंड आई, सॉकेट, एंटेना, माउथ, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको ध्यान से देखना है, जिसके अंदर एक चीज बहुत क्लियरली बताई हुई है। सबसे पहले आ जाएगा आपका लेबियम, देख लो, ठीक है, हेड रीजन का पार्ट देख लो आप। सबसे पहले आएगा लेबियम एंड लेब्रम, ठीक है। लेबियम कौन सा हिस्सा था आपका? एग्जैक्टली लोअर लिप, एंड लेब्रम अपर लिप। देन आता है मैक्सिले, देन आता है मैंडिबल। मैंडिबल क्या था हमारा? एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, मैक्सिले एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होगा दोनों। ये सिर्फ एक साइड का बताया हुआ है, दूसरी साइड भी सेम होगा। कंपाउंड आए एक साइड की बता दी इन्होंने। देन ये जो कंपाउंड आए के बिल्कुल ऊपर एक पोर्शन प्रेजेंट होगा जिसको हम कहेंगे ऑसिलस, ठीक है। उसके बाद अगर हम पूरे माउथ पार्ट के अंदर आए तो ऊपर वाला हिस्सा होगा आपका लेबियम, नीचे वाला हिस्सा होगा सॉरी ऊपर वाला हिस्सा होगा लेब्रम एंड नीचे वाला हिस्सा होगा लेबियम। देन आ जाएगा एक हिस्सा ये जो है मैक्सिले का एक पार्ट, और ये हो जाएगा माउथ में मैक्सिले का दूसरा पार्ट जो कि प्रे को कैप्चर करने में काम आता है। देन आएगा आपका मैंडिबल, मैंडिबल में क्या होगा? एक ग्राइंडिंग रीजन होता है जहां पर आपका जो फूड है जाकर ग्राइंड होगा, जो भी इंसेक्ट खाया है या कोई ब्रेड खाया है या कोई कुछ भी फूड आइटम खाया है वो। हाइपोफेरिंक्स जो है एक तरीके से एक टंग की तरह काम करता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एक टंग की तरह काम करता है, जैसे कि एक ह्यूमन में टंग होती है उसी तरह यहाँ पे हाइपोफेरिंक्स आपको देखने को मिलती है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये टंग का ही स्ट्रक्चर है, और ये हो गया आपका मैंडिबल का दूसरा वाला पोर्शन, ठीक है। तो चलिए देखो, ये है आप इस अगर स्ट्रक्चर को देखो तो ये वाले जो विंग्स है ये होते हैं टेगमाइना विंग्स, ओके, और ये जो होते हैं ये होते हैं पीछे वाले विंग्स आपके, जो कि जनरली आप वो जो हमारा कॉकरोच होता है उसको उड़ने के लिए काम आते हैं। ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, और ये होते हैं जो कॉकरोच के विंग्स होते हैं ये वाले ट्रांसपेरेंट होंगे और ये वाले कैसे होंगे हमारे डार्क कलर के। ये होगा फोर विंग्स, ठीक है, और ये वाला होगा हिंड विंग। ये वाला होगा जो फोर विंग्स है वो प्रोटेक्शन देगा यानी कि पी फॉर प्रोटेक्शन, और ये फ्लाई करने में काम आएगा यानी कि FLY फ्लाई में, यानी कि हिंड विंग किस में काम आएगा? फ्लाई में। देन आगे चलते हैं, द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 10 सेगमेंट कॉकरोच के अंदर। फीमेल्स के अंदर 7th स्टर्नम जो होता है वो बोट शेप्ड का होता है, इसको हम जरूर अंडरलाइन करेंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 7th स्टर्नम जो है वो बोट की तरह शेप में होता है, एंड जब 8th और 9th के साथ 7th वाला फ्यूज हो जाता है, ठीक है, 8th और 9th के साथ जब 7th वाला स्ट्रक्चर जो फ्यूज होगा फीमेल बॉडी के अंदर वो बनाएगा एक पाउच, जो कि पाउच को हम कहेंगे ब्रूड या जेनाइटल पाउच, जिसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो कंटेन करता है फीमेल गोनोपोर यानी कि फीमेल ओपनिंग को, स्पर्मथिकल पोर्स जहाँ पे स्पर्म रहेंगे, ठीक है, स्पर्म के लिए स्टोरेज, देन कोलेट्रल ग्लैंड्स, ठीक है, कोलेट्रल किसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं। अब आ जाती है मेल के अंदर, ये 10 सेगमेंट जरूर हाईलाइट कर लीजिए। मेल के अंदर क्या होता है? जेनाइटल पाउच होता है, ठीक है, या फिर चैम्बर होगा जो कि कहाँ पे होगा? हाई एंड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की बिल्कुल एंड पर, जहां पर डॉर्सली यानी कि ऊपर के साइड 9th और 10th जो सेगमेंट होता है यानी कि 9th और 10th जो टगा होगा, एंड वेंट्रली जो नीचे यानी कि वेंट्रल पोर्शन पे आप देखोगे तो 9th स्टर्नम में आपको देखने को मिलेंगे ये जो हमारे मेल के अंदर जेनाइटल पाउच वगैरह ये सारे जितने भी फीचर्स हैं। इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, यानी कि मेल्स के अंदर जो एनस है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी, एग्जैक्टली ऊपर की तरफ एनस प्रेजेंट होगी, और वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? गोनैपोफाइसिस। मेल के पास एक शॉर्ट
थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होता है जो कि फीमेल्स में नहीं होता. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक एक्सेप्शन मतलब एक तरीके से एक ऐसी चीज़ है जो कि मेल जो कि हमें कंसिडर करने में यानी कि समझने में काम आती है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल्स कॉकरोच है. तो एनल स्टाइल में आप देखोगे कि फीमेल के अंदर एबसेंट होगा आपका एनल स्टाइल और मेल के अंदर एनल स्टाइल प्रेजेंट होगा. लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ है बोथ सेक्सेस में मेल और फीमेल में कि टेंथ सेगमेंट जो है उसके पास एक जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि है एनल सर्काय. ठीक है, एनल सर्काय जो है वो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलेगी. और कहाँ पर देखने को मिलेगी? टेंथ सेगमेंट के ऊपर. जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसको देखते हैं हम, ये देखो तीन पेयर ऑफ लेग्स आपको देखने को मिल गए जो कि प्रोथायरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड मीजोथोरेक्स से हैं. उसके बाद आपको ये जो माउथ पार्ट देखने को मिल गया, उसके बाद आपको नीचे ये जो पोर्शन है टेंटिकल्स देखने को मिल गए, और ये वाला हिस्सा जो है ये आपका जेनाइटल पोर वगैरह जो भी आप कह सकते हो वो पोर्शन है. आगे चलते हैं, ये वाला पोर्शन आप जरूर समझे. देखो सबसे पहले क्या हुआ कि मेल और फीमेल के बारे में बताया हुआ है. एनल स्टाइल दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, एनल सर्कस भी दोनों में प्रेजेंट है और एब्डोमिनल सेगमेंट्स भी दोनों में प्रेजेंट है. लेकिन इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? फीमेल वाला जो पार्ट है, फीमेल वाले पार्ट में जो सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ है मिलकर क्या बना लेते हैं? पाउच बना लेते हैं. ठीक है, एक तरीका ये पाउच जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये एक तरीके इसने पाउच बना लिया है. बट इन मेल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये पाउच नहीं बनाता जनरली. इसको क्या कहते हैं, फीमेल के अंदर जनरली पाउच का एक प्रॉपर नाम होता है जिसको हम कहते हैं ओविपोसिटर वेल्व. ठीक है, ओविपोसिटर वेल्व जो कि मेल्स के अंदर एब्सेंट होती है. तो ये देखो कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये नाइन्थ है जहाँ पर नाइन्थ पे जाकर आपका नाइनटीन्थ जो सेगमेंट है उस पे जाके फ्यूज होगा और वो पोर बनाएगा. देखो ये पोर यहाँ पे प्रेजेंट है. तो इसी तरह से उसके बाद अगर ये है मेल वाला स्ट्रक्चर. ठीक है, ये है, एक सेकेंड, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये है आपका मेल वाला पोर्शन. उसके बाद ये वाला जो है, ये है आपका फीमेल वाला पोर्शन जिसके अंदर आप देख रहे हो सेवन्थ के बाद एट्थ नाइन्थ से जो मिलके सेवन्थ जो है एट्थ नाइन्थ से कंबाइन होके आपका पाउच बनाएगा, जिस पाउच को आप कहोगे ओवी पोजिटर वेल्व. ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे आगे, आपने ये पोर्शन जो है यहाँ पर खत्म किया. जनरली आपको ये पता चल गया कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, एनल सर्काय दोनों में ही प्रेजेंट है. और ये जो पोर्शन है हम यहाँ पर एंड करते हैं कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन. आगे हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि कहलाएगा हमारा एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच. ठीक है, कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ेंगे, अब तक हम मॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे थे. उसके बाद हम जानेंगे कि कॉकरोच के बाद अर्थवॉर्म के बारे में, देन फ्रॉग के बारे में. इसी तरह हमारे साथ बने रहिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा. और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे.